हाँ तो उसमें बताइए ना कहाँ एच एक्स के साथ कहाँ तक किया था। सर वो कंप्लीट हो गया। अच्छा कंप्लीट हो गया था। ओके लास्ट एग्जांपल क्या था कुछ मालूम है लिखा हुआ कहाँ तक था। एरोमेटिक ईथर का किराया था। एरोमेटिक ईथर ओआर अगर एचआई के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लास्ट क्वेश्चंस का जो थोड़ा एक हफ्ता हो गया ना छुट्टी थी यस ना यस मुझे कर दीजिए तो जल्दी से तो एक्यूरेट लग जाएगा मुझे क्या था। सर एक्चुअली अभी व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं। मुझे मालूम है ना आपका अवेलेबल ही नहीं है ना। स्वस्ति आपने लास्ट क्लास देखा था लेक्चर सर हैं? नो सर नहीं देख पाई थी। अरे भाई ये कैसा खराब बैच हो चुका है। फिर कर लिया था ये सर। ये वाला कर लिया था आप देखिए नोट्स में यस कर यस सर। लिया सर था। लास्ट एग्जांपल हमने हाँ हाँ बाइफिनाइल भाई ईथर का किया। बाई फिनाइल ईथर का। हाँ वेरी गुड। हाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की जगह भी। चलिए हाँ समझ गया मैं कहाँ तक हुआ था। चलिए वेरी गुड। चलिए हाँ अब आइए कि इसमें थोड़ा सा मिसलेनियस क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ टाइप देगा आप वो ये देगा। ये सब नहीं किया होगा शायद है ना। यस सर। देखिए इसमें क्या करना है कि आप चाहे वो है ये साइक्लिक ईथर है
हाँ सॉरी वो चला गया था नेट ना देखिए। हाँ तो ये आपके पास था कि अगर साइक्लिक ईथर है एचआई के साथ रिएक्शंस करेगा तो देखिए इसमें तो आप कहीं से भी ब्रेक करेंगे तो माल तो एक ही बातें होंगी। तो देखिए CH2 ब्रेक हो गया एक पर OH और एक पर I, जो आपको अल्कोहल और हाइड्रोअल्केन अलग अलग बनता था वो एक साथ बनेगा। क्लियर है हाँ या ना जल्दी बताइए। Yes, sir. चलिए ये रिएक्शन क्या बताइए। हाँ हेलो लिख लिया क्वेश्चन आप लोगों ने। यस हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अब यहाँ पर देखिए जब ब्रेकिंग करेंगे तो हम चेक करेंगे कि किसका कार्बोकेटायन स्टेबल है। मान लीजिए अगर आप इधर से ब्रेक करते हैं मान लेते हैं तो वो इधर जाएगा तो इस पर प्लस चार्ज आएगा। तो इस प्लस के रेस्पेक्ट में यहाँ पर मेटा पोजीशन पर OCH3 लगा हुआ है और मेटा पर हम केवल माइनस आई लेते हैं। अच्छा अगर हम इधर से ब्रेक करते हैं तो इस CH पर प्लस आएगा तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ माइनस आई माइनस है तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यहाँ से ब्रेकिंग सही है बोलिए हाँ या ना क्योंकि माइनस हाँ तो दैट द रीजन। तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम वही कार्बो के टाइम की स्टेबिलिटी को चेक करते हुए ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर OH आ जाएगा आपका सॉरी CHI। Thank you.
समझ में आया? यस सर। चलिए अब आइए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो आप पढ़ चुके हैं बहुत दफा, लेकिन चूंकि सिलेबस है इसमें भी। द ओआर ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग is ortho para directing in electrophilic substitution reaction. आपको मालूम है ऑर्थो पैरा बन जाएगा OCS3Cl। जनरली पैरा ही मेजर होता है, लेकिन ऑर्थो पर अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ पैरा ही मेजर होगा। ये सब आप बहुत दफा पढ़ चुके हैं। Yeah. Yeah.
चलिए तो अब आपको नेक्स्ट पेज पर टॉपिक डालिए बायोमॉलिक्यूल। अब दोनों आदमी का मैथ है ना? यस सर। तो देखिए बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ हेल्थ इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। इस तरह आप पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट कंडीशन के लिए ये सब चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन ये सब आप पढ़ेंगे। लिख लिया, समझ में आया बायोमॉलिक्यूल्स की डिफिनेशन? बोलिए। Yes. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। देखिए ओल्ड डेफिनेशन इसकी ये थी, ओल्ड डेफिनेशन हाइड्रेटेड कार्बन, ये जनरल फॉर्मूला था पहले। बहुत सारे कंपाउंड इस फॉर्मूले को फॉलो किए, अब करते हैं लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे एसिटिक एसिड को आप इस पर ब्रेक कर सकते हैं, ये था ओल्ड डेफिनेशन। अगर आप जनरल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखे हुए CXH2OY, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं बट कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या आई, तो मॉडर्न डेफिनेशन ये है, गौर से सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें एक एल्डिहाइड या एक कीटोन हो, पहली बात, एंड मोर देन वन OH ग्रुप, मोर देन वन OH ग्रुप, एक से ज्यादा OH हो बट एडजेसेंट कार्बन पर होना चाहिए। दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन। मतलब आप एक लाइन में बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। समझ में बात आई दोनों स्टूडेंट को, जल्दी बताएं। yes, तो नीचे लिखिएगा द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन आप
The organic compound which contains either one aldehyde, one ketonic group, more than one OH group, which should be present on adjacent carbon is called carbohydrate. लिख लिया आप लोगों ने? Yes. It means poly It's called carbohydrate. अब आइए क्लासिफिकेशन. बहुत ही आसान चैप्टर है, जो पढ़िएगा वही आएगा, चाहे कंपटीशन हो कुछ भी हो, लेकिन ये अच्छा चैप्टर है कंपटीशन के लिए खासकर. यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कम मेहनत में ज्यादा नंबर पाने वाला चैप्टर सब. पहला है मोनोसैकेराइड. तो देखिए पहले समझिए, ऐसे गौर से सुनिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड. तो वो कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस होने पर कोई सिंपलर सब्सटेंस ना बने, तो उसको कहते हैं मोनोसैकेराइड. जैसे ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस कीजिएगा, कुछ भी नहीं देगा वो. लेकिन कोई बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसका हाइड्रोलिसिस होने पर दो यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड देगा, तो वो डाइसैकेराइड कहलाएगा. लार्ज नंबर देगा तो पॉलीसैकेराइड, और दो से दस के बीच में देगा तो वो उसको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स. समझ में बात आ रही है? हेलो एवरीवन. यस. तो ये क्लासिफिकेशन हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर है. द कार्बोहाइड्रेट which does not इस एग्जांपल में ग्लूकोज फ्रक्टोज राइबोज गैलेक्टोज वगैरह. अच्छा एक गलती होगी, एक मिनट जाइए, मैं थोड़ा एग्जांपल नहीं दे पाया आपको. यहाँ देखें, जैसे आपके पास एल्डिहाइड का सी ओ एच है, एच है, देखिए एक से ज्यादा ओ एच है लेकिन एडजेसेंट कार्बन पर है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं जल्दी बताएं, ये हाँ या ना है ना, जल्दी बोलिए. यस सर. हाँ, जैसे अब इसका नाम क्या होगा, देखिए
CHO है तो aldo बोलेंगे, तीन कार्बन है ट्राई बोलेंगे, और इसमें सफिक्स में ओज लगाते हैं, ट्राई ओज। CH है OH 4 CH2OH, aldo है aldehyde aldo, छह कार्बन है hex OSE hexose, CH2OH है, C डबल बॉन्ड O है, केटो हेक्सोस। Yes. Which gives 2 units of monosaccharide. Yes, sir. Which gives large number of done, sir.
चलिए एक लाइन छोड़ के नोट. अच्छा इसमें एग्जांपल है, एग्जांपल में स्टार्च ग्लाइकोजन. लिख लिया सर. अब नीचे नोट लिखिएगा, कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. लिख लिया बोलिए. यस सर. चलिए, अब इसके लिए थर्ड चैप्टर थोड़ा जानना जरूरी था क्योंकि इसमें एल्डिहाइड कीटोन है, तो कुछ बातें थर्ड चैप्टर की हैं वो थोड़ा. थर्ड चैप्टर अभी आपने पढ़ा नहीं है. देखिए रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये होता है, आप ऑर्गेनिक में पढ़िएगा थर्ड चैप्टर में, और इसकी कुछ बातें मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ाई थी कि एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन मच इजियर होता है, मच इजियर. इसलिए एक रिएजेंट आता है टॉलेंस रिएजेंट, यह पूरा डिटेल में पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में, और एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन. तो ये सब वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये रिएजेंट होता है. तो एल्डिहाइड तो रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड जिसमें होगा वो टॉलेन टेस्ट भी देता है एंड पेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन देकर ये कार्बोक्सिलेट एनायन बनाता है, यानी सॉल्ट बनाता है, रिएक्शन देता है. लेकिन कीटोन डज नॉट गिव दिस टेस्ट, कीटोन does not give test with tollens reagent and Fehling solution. समझ में बात आई? हाँ या ना, जल्दी बताइए. हेलो एवरीवन. हाँ बताइए स्वस्थी, ये लाइन समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए. tollens reagent Fehling solution के साथ कौन रिएक्ट करता है बताइए? हाँ, कौन नहीं करता? कीटोन. अब सुनिए, लेकिन कीटोन में अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर आ गया, अगर सुनिए ये सब पूरा डिटेल पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में. अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव्स टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट एंड फिलिंग सॉल्यूशन. अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब ये हुआ, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा,
क्योंकि ये टॉटोमेराइज होकर एल्डिहाइड ग्रुप दे देता है. क्या दे देता है जल्दी बताएं, टॉटोमेराइज होकर क्या देता है? यू नो एल्डिहाइड कीटोन में टॉटोमेराइजेशन शुरू होता है. हेलो, समझ में बात आ रही है? यस सर. डबल बॉन्ड सी एच ओ एच. यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सी एच थ्री सी पर ओ एच माइनस हो गया कि प्लस, तो एच यहाँ जाता है सिंगल. अब देखिए सी एच डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म. तो देखिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर होगा तो टॉटोमराइज हो गया एल्डिहाइड दे देता. तो ये सब क्योंकि यहाँ पर पढ़ना नहीं है, इसको सेकंड टर्म में देना चाहिए था ये चैप्टर, लेकिन चलिए दे दिया फर्स्ट टर्म में. तो अल्फा हाइड्रोक्सी क्योंकि मैं अगर लिखा देता तो देखिए यहाँ पर सुक्रोज कहाँ गया, सुक्रोज हेक्सोज इसको कहते हैं, फ्रक्टोज भी कहते हैं इसको, कीटोन है. जबकि ये भी देता है तो वही कहिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है ये भी टॉलरेंस रेजिम के साथ. एल्डिहाइड तो देता ही है, कीटोन नहीं देता, लेकिन कीटोन में अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में जो टॉटोमर एल्डिहाइड में चेंज होगा तो वो भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन फैलेंस सॉल्यूशन के साथ देगा. तो कोई पूछे व्हाट इज द रिड्यूसिंग शुगर, तो वो कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूसेस द टॉलरेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर. तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं. तो कोई फिर इसमें कोई आपको कंफ्यूज करेगा कि भाई टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशंस के साथ एल्डिहाइड करता है जबकि फ्रक्टोज में तो कीटोन है, तो उसको फिर वही सिखाना है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है. ये पूरा डिटेलिंग आएगा थर्ड चैप्टर, वहाँ टॉपिक ही है पूरा, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का नाम ही है. समझा कि नहीं? और डाइसैकेराइड्स में माल्टोज एंड सुक्रोज देता है और सारी चीजें हैं डॉक्टर. टॉलरेंस रिएजेंट में और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बताने के लायक नहीं है. समझा कि नहीं? ये भी टॉलरेंस रिएजेंट दे देता है. समझा कि नहीं? क्योंकि ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन चूंकि अभी पूरा पढ़ना नहीं है आपको तो खैर. तो मेरे ये कहने का मतलब कि मोनोसैकेराइड यूनिट्स रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा, डाइसैकेराइड्स में माल्टोज सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो रिएक्ट ही ना करे जैसे सुक्रोज हो गया, एंड ऑल पॉलीसैकेराइड्स ये सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं जो टॉलरेंस रिएजेंट फिल्म सॉल्यूशन के साथ रिएक्शंस नहीं करते. क्या आपने ये लिख लिया था ये स्लाइड? यस सर. तो इसी में सेकंड पॉइंट डालिएगा.
क्लियर? यस सर। इसमें एग्जांपल लिखिएगा। लिख लिया, जल्दी बताइए। यस। अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में, C6H12O6। पहला पॉइंट इट इज, इसका नाम है अल्डोहेक्सोज एंड X2 रोटेटरी, ऑप्टिकल आइसोमर X2 रोटेटरी इन नेचर। ये स्मॉल ही फॉर्म, चूंकि इसमें कैरल सेंटर बहुत सारे होते हैं, आपको मालूम है ये है आपके पास। अच्छा बताइए, इसमें कायरल सेंटर चार हैं कि नहीं, जल्दी बताइए ना। और ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, तो ये है। अच्छा, थर्ड कार्बन पर OH लेफ्ट साइड, ऐसे तो OH आप जिधर भी रखें ग्लूकोज कहलाएगा, लेकिन किसी भी कार्बन पर कन्फिगरेशन चेंज होता है उसको एपीमर्स कहते हैं, जो मैं आपको लिखवाऊंगा आपको आगे। एपीमर्स, एक होता है एनोमर, एक होता है एपीमर्स। फर्स्ट कायरल कार्बन पर अगर कन्फिगरेशन चेंज हो जाए तो कहते हैं एनोमर्स, किसी भी कार्बन पर। OH एक साइड भी होगा तो वो ग्लूकोज कहलाएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे फॉर्म होंगे ग्लूकोज के, 2 to the power 4, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 16 डिफरेंट फॉर्म है ग्लूकोज के। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। तो अल्डोहेक्सोज को हम कहते हैं ग्लूकोज। अब आइए केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे इंपॉर्टेंट है किसका रिएक्शन सब आपसे पूछे। इसमें सबसे पहला है रिडक्शन। देखिए, मैंने आपको रिएजेंट केमिस्ट्री में एक लिखवाया था, याद है सबको, रेड PNHI, याद है ये रिड्यूसिंग एजेंट, सबको बोलिए रिएजेंट। बता सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? बोलिए बोलिए, दोनों स्टूडेंट में से कोई भी बोलिए जल्दी से फटाफट। यश और स्वस्ति, जल्दी बताएं। अरे इसका डायलॉग लिखवा दिया था, जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा, याद है? यस सर। हाँ, तो देखिए, व्हेन ग्लूकोज इज रिड्यूस्ड विथ रेड पी विथ HI गिव्स नॉर्मल हेक्सेन। दिस रिएक्शन शोज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। दिस रिएक्शन शोज द ओपन स्ट्रक्चर, यानी ग्लूकोज हैज ओपन स्ट्रक्चर, जबकि ग्लूकोज के क्लोज चेन होते हैं।
लेकिन ये सब अभी तक हम लोग ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं, समझा? क्लोज चेन कैसे बना, क्यों आया कंसेप्ट, वो भी पढ़ेंगे। दिस रिएक्शन शोज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। पहले तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई ग्लूकोज का रिप्लेस कैसे साथ क्या होता है। CHO है, CHOH फोर टाइम्स है, CH2HI है, हम बीसी लेना चाह रहे थे, कुछ बता दो। एक बार हम लोग पहले से बात करते हैं।